राज्य मंत्री मित्रवर संजय जी, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री अमिताभ कांत, सीईओ ओके सचिव अजय साहनी गढ़वालिया, सभी पदाधिकारीगण, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं उद्योग से भी बहुत लोगों को देख रहा हूं, आप सबों का अभिनंदन। फ्रेंड्स, टुडे इज ए हिस्टोरिक डे। आज हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आज का दिन एक निर्णायक दिन है। इन द क्वेस्ट फॉर ए सेल्फ रिलायंट इंडिया, टुडे इज इंडीड ए मॉन्यूमेंटल डे। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम एक अलगाववादी भारत की बात नहीं करते हैं। एक हम अंदर झुके हुए भारत की बात नहीं करते हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया इज नॉट एन इंडिया ऑफ आइसोलेशन, इट इज नॉट एन इंडिया ऑफ इनवर्ड लुकिंग, इट इज एन इंडिया विच enhances its capacity and capability, develops an ecosystem as a robust asset to the global economy. भारत अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपने वैल्यू चेन और मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में ecosystem बढ़ाकर भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के एक एसेट के रूप में हम बनाएं, यह है आत्मनिर्भर भारत। उसमें हम एफडीआई भी लाएंगे, टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, हमारा अनुभव भी है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी है। तो मुझे लगा कि आरंभ में ही मैं इसको स्पष्ट कर दूं। एक दूसरी बात जो मुझे बतानी है कि मेक इन इंडिया इज ओनली फॉर इंडिया, ए सेल्फ रिलायंट रिसर्जेंट एंड रोबस्ट इंडिया इज नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री। ये दूसरा विषय मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है। ये तीनों स्कीम की चर्चा डरवालिया साहब ने अभी ब्रीफली बताई, थोड़ा मैं उस पर टिप्पणी करूंगा, फिर अजय साहनी प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर आपके प्रश्नों का जो उत्तर देने में होगा मैं दूंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे अमिताभ जी भी देंगे। लेकिन इस स्कीम के फॉर्मुलेशन में मेरे विभाग ने और नीति आयोग ने और विशेष रूप से अमिताभ जी ने बहुत पहल की है, तो मैं अपने सारे पदाधिकारियों का और अमिताभ जी का और विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के सारे उद्यमियों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि वी ऑल्सो हैड अ वेरी एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद देम एंड दे ऑल्सो गेव देयर इनपुट्स विच हैज हेल्प्ड अस टू क्रिएट दिस थ्री स्कीम्स टुडे विच वी आर लॉन्चिंग टुडे। आज इनको हम शुरू कर रहे हैं। मित्रों, इसके पहले कि मैं स्कीम पे आऊं, थोड़ा मैं भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या किया है इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं बहुत संक्षेप में। जब हमारी सरकार 14 में आई थी तो देश का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट था 1,90,366 करोड़। व्हेन आवर गवर्नमेंट हैड कम टू पावर, द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया वाज 1,90,366 करोड़। आज 18-19 में यह बढ़कर हो गया है 4,58,006 करोड़। In 4 years time, from 1,90,000 crore, the production has risen to 4,58,000 crore. India's global share in electronic manufacturing has risen from 1.3% in 2012 to 3% in 2018. और सबसे बड़ी बात है कि द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हैज सरपास द इंपोर्ट्स। ये मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बाकी एक्सपोर्ट का मैं अभी आपको नंबर नहीं दे रहा हूं, आप पूछेंगे तो विस्तार से मैं बता दूंगा।
इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ोतरी में, और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट्स हैं, अजय के प्रेजेंटेशन में आपको बताया जाएगा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत बड़ा काम किया है। आपको मालूम है 14 में हम आए थे तो सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब 200 से अधिक है। वी हैव इमर्ज्ड एज द सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। आई विश टू कॉम्प्लीमेंट ऑल द मैन्युफैक्चरर्स, द मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑल द वेंडर्स इन मेकिंग आवर कॉल ए ग्रेट सक्सेस इन क्वेस्ट ऑफ मेक इन इंडिया। जब हमारी सरकार आई थी 14-15 में, आप जान लें 6 करोड़ टर्नओवर था, वैल्यू था 18,992 करोड़, 18,992 करोड़, एंड प्रोडक्शन वॉज 6 करोड़। इन 1819 इट रोज टू 30 करोड़ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स एंड वैल्यू इज 1,70,000 करोड़। तो फ्रॉम 18,992 करोड़ टू 1,70,000 करोड़, दिस हैज बीन द जर्नी। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज यहां एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बड़ा काम हुआ है, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हमने 20 लाख लोगों को नौकरी दी है, मोबाइल में ही लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। तो आज जब हमारी सरकार के 6 वर्ष पूरे हो गए, और मुझे इलेक्ट्रॉनिक विभाग को देखते हुए भी 6 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आज ये मेरे लिए संतोष का विषय है कि हम लोग एक मॉडेस्ट सक्सेस प्राप्त कर सके। आई विश टू अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑल द प्लेयर्स। When now I have completed 6 years as also the Electronic Minister of India, this modest success gives us a sense of hope. इस दृष्टिकोण से आज की हमारी ये कोशिश है कि हम 3 स्कीम लेकर के आए हैं। अगर हम दुनिया के नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री पहुंच गए 4-5 से, तो हमारी इच्छा है कि नंबर 1 भी बने। हम इस दिशा में हम काम करेंगे। अब ये पूरा जो हमारी स्कीम है ये आज से लागू हो रही है। बहुत ब्रीफली मैं बता दूं, फिर अजय विस्तार से बताते हैं उसको। एक है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव 40,000 करोड़। प्रोडक्शन बढ़ाओ, इंक्रीमेंटल इंसेंटिव पाओ, इंक्रीज योर प्रोडक्शन, अर्न द इंसेंटिव। सेकेंड इज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसमें जितने स्पेयर पार्ट्स हैं, सेमीकंडक्टर हैं इत्यादि, उसके लिए लगभग 3,500+ है। और फिर तीसरा है क्लस्टर स्कीम। हम चाहते हैं कि कंपनियां आए तो उनके साथ उनकी एंसिलरी भी आए। और जिस समय कैबिनेट का फैसला हुआ था तो मैंने अपने विभाग के सचिव की एक व्यंगात्मक टिप्पणी आपके सामने की थी, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम चाहते हैं कि दूल्हे भी आए और साथ में बराती भी आए, कंपनी भी आए और अपनी एंसिलरी की पूरी बारात भी लेकर के आए। तो यह भी हमने इसमें व्यवस्था की है मित्रों। तो ये 50,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव है। अभी हम क्या करने वाले हैं, दुनिया में 5-6 बड़ी कंपनियां हैं जो मोबाइल कंपनी के 80% मार्केट को कंट्रोल करती हैं। तो अभी हमारी योजना यह है कि हम ग्लोबल चैंपियन 5 कंपनियों को इसमें हम सहयोग करेंगे, जो भी सिस्टम से कमिटी उसको फिल्टर करके लाएगी।
initially we shall pick up 5 global champions who are